बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाते हैं केक, स्पंज केक। 3 अंडे हम डाल देते हैं। तो अब हमने इसको बीटर से मिक्स करना है। इसको हमने हैंड बीटर से इतना मिक्स करना होता है, ये बहुत फ्लफ़ी और बड़ा अच्छा सा क्रीम स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाता है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालते हैं। चीनी और अंडे को हमने मिक्स करना है। थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बीटर चलाएंगे तो तेज़ तेज़ बीटर चलेगा तो ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखने में आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा ज़बरदस्त इसका बैटर तैयार हो चुका है, अंडा और चीनी। तो अब हमने इसमें डालना है मैदा। मैदा हम 1 कप डालेंगे। मैदा हमने थोड़ा थोड़ा करके छानना है और इसको हमने फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने अब यहाँ पे हमें बीटर की ज़रूरत नहीं होती, हल्के हाथों से हमने इसको आराम आराम से मिक्स करते जाना है। अब हम इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसन। खुशबू के लिए वनीला एसन डाला जाता है, चंद ड्रॉप्स। अब हमने इसमें शामिल करना है, आप बटर डालें, ऑयल डालें, मक्खन डालें, घी डालें, कुछ भी डालें जो आपको अच्छा लगता हो। हमने इसमें मेल्टेड बटर डालना है। यहाँ पे हमने 1/3 कप बटर रखा है मेल्ट किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। आपको हमारे केक की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी रोज़ एक नई रेसिपी आपको अच्छी लगे तो बताया करें कमेंट्स में कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच सकें। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने पकाना है। इसको आप ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये केक हम पतीले में बनाएंगे। पतीले में हम इसका टाइम 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको पकाया और आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर और बड़ा सॉफ्ट नज़र आ रहा होगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।